हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए बहुत सुंदर। अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो मेहनत और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की रफ्तार तेज कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी अब होगा और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, इसलिए मेहनत की रफ्तार तेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ऑलरेडी बच्चे हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे 6 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, और आज हमारा पार्ट 7 है, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं कि आज के क्लास में कुछ स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। और काफ़ी ध्यान से लेक्चर को समझिएगा और साथ साथ बनाइएगा भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। इससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, myself चंदन सर BCom एंड MCom क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, BEd क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से 6th to 12th की पढ़ाई किया हूँ, और 10th और 12th में अपने टाइम में मैं स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स अचीव किया हूँ। पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूँ, करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, कई हजार बच्चे को ऑनलाइन सर्विसेज दिया हूँ। तो यदि आप भी BHU और DU में पढ़ने का सपना रखते हैं तो हमसे CUET का प्रिपरेशन जरूर करिएगा 12th के साथ साथ, जिससे कि आपका जो BHU और DU में पढ़ने का सपना है उसको हम साकार कर सकें। ठीक है, चलिए एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक करिए और इसी लाइक के साथ आज का सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू हो गया आज का टॉपिक। बच्चे आज का जो टॉपिक है ये है बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन। क्या है? बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो क्वेश्चन आप बना रहे थे वो कैसा था? वो था मतलब अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें एक बैलेंस शीट दिया रहता था, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, और बैलेंस शीट के नीचे 4-5 क्वेश्चन दिया पॉइंट दिया रहता था एडजस्टमेंट के, इसके बेसिस पे आप रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, कैश और बैंक बनाते थे। बट नाउ अब जो एक क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ये बैलेंस शीट ये नहीं दिया रहेगा। तो सवाल है सर फिर दिया क्या रहेगा, है ना? जब बैलेंस शीट ही नहीं दिया रहेगा तो दिया क्या रहेगा, ये बात है। तो बच्चे जब बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, ध्यान से सुनिए। जब बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, जैसे पैसेज के फॉर्म में होता है ना, ऐसे सेंटेंस होगा क्वेश्चन में। और इसके गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सबसे पहले हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होगा, ठीक ना। जब बैलेंस शीट नहीं दिया होगा तो गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पहले एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के बाद हम फिर जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको इसका क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, ठीक है। मतलब मेरा टॉपिक है कि बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन, ऐसे बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया ही नहीं रहेगा, बस स्टेटमेंट सब दिया रहेगा। तो बैलेंस शीट पहले बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तभी हमें बैलेंसिंग से एसेट्स पता चलेगा और उसी एसेट्स को रिलेशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होता है। बस अभी आप इतना याद रखना कि बैलेंस शीट नहीं दिया है तो पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, देन कुछ और बनाएंगे जो कुछ कहेगा, ठीक है। चलिए लेट्स आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है
कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान जी एक ही साथ आ गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग इन 3:3:4, ब्रह्मा विष्णु महेश पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एट द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, देयर क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू At the date of dissolution, their creditors amounted to 16,000, and in the course of dissolution, a contingent liabilities of 2,650 note brought into accounts matured and had to be met. उसका payment करना पड़ा. Their capital stood at 12,000, 10,000, 8,000 respectively. Vishnu had lent to firm in addition to capital 14,000, assets realized 40,150, prepare realization account, आपको realization account बनाना है, partners capital account बनाना है and cash account बनाना है, मतलब realization, partners capital और cash account बनाना है, balance बनाने को बोला नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि जब भी हम realization बनाएंगे तो हमें balance sheet दिया रहेगा, तभी तो balance sheet से assets और liabilities को transfer करेंगे, समझे बात ना। अगर मान लो आप लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर भी देते हो यहां से, कितना लाइबिलिटीज था, लेकिन असेट्स तो दिया नहीं है, असेट्स कितने में रियलाइज हो रहा है, बस ये जानकारी दिया है, मतलब ये जो जानकारी दिया है असेट्स रियलाइज के रिगार्डिंग, ये रिलेशन के क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जो असेट्स राइट अप होगा ये जानकारी तो गिवन ही नहीं है, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा और स्टेटमेंट फॉर्म में और रिलेशन बनाने को बोले तो समझिएगा कि मुझे बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, और देख के भी आपको दिख रहा है कि नहीं दिया हुआ है, है ना। और बैलेंस शीट जब नहीं दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप बनाएंगे एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट, है ना, मेमोरी गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर। चलिए यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगा, सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। चलिए यहां से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम आप भी बनाइए साथ साथ, ओपन करिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कब ये लोग डिजॉल्व कर रहा है वो डेट दिया हुआ नहीं है, तो यहां पे खाली छोड़ दीजिए, एज एट डैश 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 लिख के, चार कॉलम होगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, चार कॉलम हो गए, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का, ठीक है। अब देखते हैं कि इस बैलेंस शीट में जाने वाला क्या क्या इंफॉर्मेशन ऊपर से दिया हुआ है, जो जो दिया होगा लिखते जाएंगे। जो बैलेंस शीट में पहले से था वो इंफॉर्मेशन, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एट द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन, देयर क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 16,000, मतलब डिसॉल्यूशन के टाइम में देयर क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 16,000, इनका क्रेडिटर पहले से 16,000 था, ये पॉइंट जाएगा, तो यहां पे लिखिए क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 16,000, डिजोल्यूशन के टाइम में ये था बैलेंस शीट में। इन द कोर्स ऑफ डिजोल्यूशन अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी 2,650 नोट ब्रॉट इनटू अकाउंट मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट, समझो डिजोल्यूशन के दौरान एक कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, डिजोल्यूशन के दौरान एक कंटिंजेंट लाइबिलिटीज जो लाया गया कि मतलब हम और उसका पेमेंट किया गया, तो क्या सवाल है सर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज लिखाएगा, तो बच्चे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं आता है, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में आता है, लेकिन आपने पेमेंट किया है तो रिलेशन के डेबिट में टू बैंक करके पे तो करोगे, लेकिन ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में नहीं आता, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। होता क्या है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच इज नॉट एक्चुअल लाइबिलिटी, जो एक्चुअल नहीं है, That may be paid, may not be. Like case pending in a court. Court में कोई case pending है, तो maybe हमें pay करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है, इसलिए उसे कहते हैं contingent, situational liability, ठीक ना? Okay.
ये हो गया डेट हैड टू बी मेट। कैपिटल कैपिटल 12,000, 10,000 और 8,000 है। कैपिटल लिखिए, कैपिटल है ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश कैपिटल है 12, 10, 8। कितना हो गया 22 और 8, 30। और क्या है, विष्णु हैड लेन टू फर्म इन एडिशन टू कैपिटल 14,000। मतलब विष्णु ने कैपिटल के अलावा फर्म को 14,000 लोन दिया, मतलब विष्णु लोन लाइबिलिटी साइड आएगा। एसेट्स रियलाइज, इतना रियलाइज जितने में हुआ एसेट्स, ये तो रिलेशन में जाएगा। एसेट्स था कितने का ये जानकारी नहीं दिया, वो दिया जाता तो इधर लिखते। तो चलिए पहले हम विष्णु का लोन लिखते हैं। विष्णु लोन दिया है, कितना दिया है 14,000। विष्णु लोन अकाउंट 14,000। अब असेट्स का एक भी आइटम नहीं दिया होता, अगर दिया होता कि हाँ एट द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन दिस एसेट्स वाले इतना 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 कुछ भी दिया होता तो लिखते, दिया ही नहीं है, बात ही खत्म है। तो चलिए अब असेट्स नहीं दिया तो बैलेंसिंग से एसेट्स निकालेंगे। पहले इसको टोटलिंग करेंगे, 000 छः, चार, दस का शून्य, कैरी 1, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1 कैरी 6, हो गया ना 60,000। यही 60,000 यहां पे लिखेंगे और बैलेंसिंग से यहां पे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री असेट्स 60,000। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से सवाल होता है कि सर बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, मतलब जो इधर से इधर के टोटलिंग और उधर के टोटलिंग से बैलेंस करने से आए वो बैलेंसिंग फिगर हो गया। सन्ड्री एसेट्स क्या होता है, मतलब कई सारे एसेट्स, यहाँ पे कई सारे एसेट्स होंगे, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, हमको पता नहीं है क्या क्या है, इसको लिखिए सन्ड्री एसेट्स, विविध एसेट्स, कुल मिला के एसेट 60,000 का था। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं है कि कौन सा कितने का था, तो यही फिगर रिलेशन के डेबिट में चला जाएगा राइट ऑफ होने के लिए। ठीक ना, अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में इधर का लाइबिलिटीज कैपिटल भी दिया रहे और इधर कई सारे एसेट्स भी दे दे, तब अगर मैच नहीं करे तो क्रेडिट का टोटलिंग कर, मतलब लाइबिलिटीज का टोटलिंग करिएगा, वही टोटलिंग यहाँ पे लिखिएगा और बैलेंसिंग से प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। जब एसेट्स गिवन रहेगा तब एसेट्स जब कमा रहा है तो, नहीं गिवन है तो सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपका बन गया, किसी बच्चे को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है सही से तो बच्चे ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, डन ओके। अब आप मेमेंडम बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए डन ओके। अब ये हमारा बैलेंस शीट बन गया, अब हमें क्या बनाना था, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब रियलाइजेशन बनाते हैं, तो रियलाइजेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। रियलाइजेशन अकाउंट 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स,
चलिए रिलेशन का फिर से फॉर्मेट ड्रॉ करिए, रियलाइजेशन अकाउंट चार कॉलम होगा, ठीक है फॉर्मेट ड्रॉ करिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। चलिए ओके अब क्या करना है देखते हैं, अब क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाना है अब, ठीक है जो बनाया है आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और पहले तो आप क्या करते थे, बैलेंस शीट वाला ही ना असेट्स को रिलेशन के डेबिट में और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रिलेशन क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे, तो पहले वो काम करिए फिर देखेंगे क्या रियलाइज हुआ, कितना पे किए, क्या अनरिकॉर्डेड रियलाइज हुआ, क्या अनरिकॉर्डेड पे किए, वो गिवन इंफॉर्मेशन से, ठीक है। पहले बैलेंस शीट वाला एसेट्स 60,000 रिलेशन के डेबिट में और इधर क्या था एक्सटर्नल में, बस क्रेडिटर था 16,000, चलिए रिलेशन में ट्रांसफर करके क्रेडिट में उसको, तो एसेट्स 60,000 है तो डेबिट में ट्रांसफर होगा टू सन्डरी एसेट्स, सन्डरी मतलब कई सारे एसेट्स विविध, कितना था 60,000 था, ये रिलेशन डेबिट में आ गया और क्रेडिटर था 16,000 बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, 16,000 का क्रेडिटर था, असेट्स डेबिट में और लाइबिलिटीज क्रेडिट में, ये ट्रांसफर कर दिए। अब देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें दिया हुआ था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रोफिशरिंग इश्यू दिया है, डिसाइडेड टू रिजॉल्व एट द डेट ऑफ रिजोल्यूशन, क्रेडिटर था 16,000 और रिजोल्यूशन के दौरान एक कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ 2,650, ठीक है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का पेमेंट 2,650 हुआ, तो चलिए इसका पेमेंट आप कर दीजिए रिलेशन के डेबिट में टू बैंक 2,650, क्या था ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज था, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ब्रैकेट में लिख दिए, इसका पेमेंट हमने कर दिया। फिर और क्या था इसके बाद असेट्स रियलाइज 40,150 में असेट्स रियलाइज हुआ, ये बात यहां पे लिख दीजिए क्रेडिट में बाय बैंक असेट्स रियलाइज 40,150, ये क्रेडिटर के पेमेंट के रिगार्डिंग कोई चर्चा नहीं है, तो फर्म बंद होता है तो अपने मन से पे करने को आपको सिखाया था, टू बैंक क्रेडिटर्स 16,000, टू बैंक क्रेडिटर्स 16,000, ठीक है। चलिए अब देखो तो बच्चे किधर का टोटलिंग ज्यादा दिख रहा है, डेबिट का टोटलिंग ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलिए तो बैलेंसिंग करिए, टोटलिंग करिए डेबिट का, चलिए यहां क्या है जीरो, यहां क्या है फाइव सिक्स, फिर दो और छ आठ, और यहां छ और एक सात, 78,650 बैलेंसिंग कितना आएगा, बैलेंसिंग आएगा यहां पे जीरो जीरो एक, यहाँ पाँच आ जाएगा, छः और दो आठ, चार एक पाँच, दो सात, 22,500 का लॉस हो गया, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर करेंगे, ठीक ना ओके। तो रियलाइजेशन का जब लॉस ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट सेलिंग से क्या है इनके बीच में 334 का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु
महेश, इन तीनों में ट्रांसफर करना है 22,500 को 334 में। तो चलिए कैलकुलेट करिए, 22,500 को 334 में करिए, देखिए कितना आता है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो यहां पे, पांच दिया 15 5 कैरी 1 66 61। ये जीरो कट गया, जीरो 5 20 का शून्य कैरी 2 चाल दोनों 8 2 10 का शून्य कैरी 1 चाल दोनों 8 9 इतना आया है। मैच करिए तो आपका भी इतना ही आया है, सही है। देखिए तो ठीक है, सही है, यहां तक सही है। नोट कर लीजिए, रिलेशन का फॉर्मेट हमने बना दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आगे क्या बनाना है। अब बनाना है हमें पार्टनर विष्णु ने लोन दिया था फर्म को, तो विष्णु का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए बनाइए। तो विष्णु लोन अकाउंट, चार कॉलम होगा यहां पे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, चार कॉलम हो गया, विष्णु का लोन अकाउंट। तो कितना लोन दिया था, क्वेश्चन देखिए। तो विष्णु हैड लेंड टू फर्म इन एडिशन टू कैपिटल 14,000, मतलब 14,000 का वो लोन दिया था। तो लोन का जो अमाउंट है वो रिलेशन क्रेडिट में लिखेंगे, बाय विष्णु, सॉरी बाय बैलेंस बीडी, कितना 14,000। ये 14,000 का लोन था और इसको कुछ नहीं करना है, बस डेबिट में इसको पे कर देना है। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई चर्चा है नहीं, अगर होता तो रियलाइजेशन के डेबिट में इंटरेस्ट लिखते और विष्णु के लोन के क्रेडिट में, लेकिन है ही नहीं तो उसको पे कर दीजिए। टू बैंक अकाउंट 14,000 उसको पे कर दिए, लोन अकाउंट बन गया, लोन अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। ओके डन। ओके, अब बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे तीन पार्टनर है क्वेश्चन में, कितने पार्टनर है, तीन। तो फॉर्मेट ड्रॉ होगा, पर्टिकुलर्स ब्रह्मा विष्णु महेश, पर्टिकुलर्स ब्रह्मा विष्णु महेश। पर्टिकुलर्स ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, लेफ्ट में डेबिट में, डेबिट साइड राइट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, ये फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपने भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, आपने भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। चलिए
फॉर्म ड्रॉ हो गया, अब इसको फिल करते हैं। इसके लिए हम चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए मेमेंडम बैलेंस शीट पे। मेमेंडम बैलेंस शीट में देखिए पार्टनर्स कैपिटल कितना है, 12,000, 10,000, 8,000। लिखिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बीडी के तौर पे 12, 10, 8 बाय बैलेंस बीडी 12,000, 10,000, 8,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट से कैपिटल लिख दिया। चेक कर लो कोई रिजर्व विजर्व तो नहीं है, नहीं इधर कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है। चलिए इसके बाद चलिए रिलेशन अकाउंट में, रिलेशन में चलिए और चेक करिए क्या पार्टनर्स कोई एसेट्स लिया है या कोई लाइबिलिटीज लिया है। चेक करिए, है ना, इधर पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है एसेट्स टेकन रिगार्डिंग, ना इधर लिखा है लाइबिलिटीज टेकन रिगार्डिंग, मतलब ना ही पार्टनर एसेट्स लिया है ना ही लाइबिलिटीज लिया है। इसका मतलब अब केवल रिलेशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होगा। तो रिलेशन में लॉस कितना हुआ था, 6,750, 6,750 और 9,000, मतलब टोटल 22,500 हुआ था। तो ये पार्टनर्स में क्या करेंगे, डेबिट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे 6,750, 6,750 और 9,000। चलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में इसको ट्रांसफर करिए। चलिए यहाँ ट्रांसफर करिए डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 6,750, 6,750 और 9,000 का ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद अब कोई पॉइंट तो है नहीं, अब बैलेंसिंग करेंगे। तो वन बाय वन आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि ब्रह्मा का क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटलिंग किए, ये 12,000 यहाँ लिख दिए, और विष्णु का भी क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ लिख दिए 10,000, और महेश का डेबिट ज्यादा तो महेश पैसा लाएगा। इन दोनों का पहले बैलेंसिंग करिए, इन दोनों का एक का 12,000 दूसरे का 10,000, ये बैलेंसिंग करके यहाँ पे टू बैंक पैसा पे कर दीजिए। 12,000 में से 6,750 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5,250। यहाँ पे 3,250 ये फाइनल पेमेंट कर दिए, किसको, ब्रह्मा और विष्णु को, इसको पैसा पे कर दिए कैपिटल का। ठीक है, बट महेश का डेबिट ज्यादा है, डेबिट 9,000 है, क्रेडिट 8,000 है। डेबिट का टोटलिंग यहां लिखे, वही टोटलिंग 9,000 यहां लिखे। अब महेश 1,000 रुपया लेकर आएगा बाय बैंक अमाउंट ब्रॉट इन, इतना पैसा लाएगा। ठीक है, ओके, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्रॉ कर लीजिए इसको आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। चलिए अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब बनाएंगे, हर जगह हम बैंक लिखे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए लिखो बैंक अकाउंट, बैंक या कैश बोथ आर सेम। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए चार कॉलम रहेगा इसमें, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। ओके, अब क्या करना है बच्चे, देखिए सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि कुछ बैलेंस शीट में अगर कैश रहता या बैंक बैलेंस रहता तो उसको लिखते, तो बैलेंस शीट में कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा गया इस क्वेश्चन में। इसके बाद रियलाइजेशन बनाए थे, तो रियलाइजेशन बनाए थे तो एसेट्स बेच के पैसा आया था कितना, 40,150 आया था ना,
एक यहाँ पे आया था, और तो कुछ आया नहीं इधर, तो इसको लिखिए कैश अकाउंट के डेबिट में 40,150 जितना आया है, 40,150 टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज्ड, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज, जितना पैसा आया था वो लिख दिए। इसके बाद रिलेशन में ही चेक करिए, ये तो आया था ये लिख दिए। इसके बाद पैसा गया कहाँ है, यहाँ गया है टू बैंक, टू बैंक 2650 वन और 16,000, 2650 और 16,000, 2650 एंड 16,000 ये गया है। तो ये गया है तो क्रेडिट में लिखिए बाय रियलाइजेशन। ये था कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का, और नीचे वाला पेमेंट किस चीज का है, क्रेडिटर का, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर, जिस चीज का पेमेंट हुआ है वो नाम लिख दिए। तो रिलेशन से जो आया उधर, रिलेशन से जो गया इधर लिख दिए। अब रिलेशन के अलावा और पैसा के चांसेस कहाँ है इसमें, अब इससे बस यहाँ पे आया था और ये दोनों गया था लिख दिए। अब चलते हैं इसके बाद जो अकाउंट बनाया उसको चेक करते हैं। इसके बाद बनाए थे विष्णु लोन अकाउंट, विष्णु लोन में क्या हुआ है, पे किए हैं टू बैंक 14,000, पैसा गया है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बाय विष्णु लोन अकाउंट, कितना पे किए हैं 14,000, ये लिख दिए। इसके बाद ये लिख दिए, और कहां का चांस है, पार्टनर्स कैपिटल देखिए, पार्टनर्स कैपिटल में ब्रह्मा और विष्णु को आपने पे किया है, पार्टनर्स कैपिटल में ब्रह्मा और विष्णु को आपने पे किया है, और जबकि महेश लाया है, ठीक है, तो पे वाला जो है वो कैश बैंक के क्रेडिट में और लाया वाला डेबिट में। तो चलिए ब्रह्मा कितना पे किए 5250 और इसको 3250, 5250 3250 बाय ब्रह्मा कैपिटल अकाउंट बाय विष्णु कैपिटल अकाउंट, ब्रह्मा विष्णु लिख दिए, और जबकि महेश ये 1,000 लाया है, तो महेश जो लाया है ये लिखाएगा डेबिट में टू महेश कैपिटल अकाउंट, 1,000 लाया है, ठीक है। इसके बाद अब कोई पॉइंट तो है नहीं, अब कोई अकाउंट बनेगा नहीं, अब बैलेंसिंग करिए। इधर का टोटलिंग है 41,150 इधर है 0, 5, 5, 10, 5, 15 का 5 कैरी 1, 6, 6, 2, 6, 4, 10, 10 और 1 कैरी 11 का 1 कैरी 1, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 6, 2, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 3, 20 और 1 कैरी 21 का 1 कैरी 2, 1, 1, 2 और 2, 4, 41,150 दोनों साइड का टोटलिंग मैच कर गया तो हम समझेंगे मेरा आंसर सही है, ठीक है। अब पूरे ही क्वेश्चन का हम सिस्टमेटिक आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन नोट करना है, आप नोट कर लीजिए एक बार फुल फ्लेज क्वेश्चन। चलिए बच्चे, सबसे पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चन के पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन ऊपर में आपका है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन, ओके। देन आफ्टर दैट ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट डन, ओके। देन अब आप लीजिए रिलेशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट, ओके डन। देन अब आप विष्णु के लोन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, विष्णु लोन अकाउंट,
डन। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन कैश और बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें कि हमें बैलेंस शीट नहीं दिया था। तो बैलेंस शीट नहीं दिया था, सबसे पहले बैलेंस शीट बना लिए। अब बैलेंस शीट बनाने के वक्त ध्यान रखना है कि अगर एसेट्स में कुछ नहीं दिया है तो बैलेंसिंग फिगर्स एसेट्स सन्ड्री एसेट्स आएगा, और अगर कई सारे एसेट्स दिया हो फिर भी एसेट्स कम हो तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर्स लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम आपको हेल्प करेंगे, आप कॉमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा। अब कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है, ऑनलाइन समझ में आता है अच्छे से, और आप चाहते हो कि सर से ऑफलाइन पढ़े, तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे हमारा ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी में, लंका पे है। तो लंका पे कहाँ पे? BHU के नजदीक लंका पे आप आएंगे तो रविदास गेट है, रविदास गेट के पास आएंगे तो रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे 100 मीटर बाद मेन रोड पे लंका थाना है, और थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। तो जिन बच्चों को गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे लोकेशन का एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी, वाराणसी में लंका पे रविदास गेट के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है, CUET का प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं जो BHU DU AU के एंट्रेंस के लिए होता है CUET, इसमें BCOM और MCOM एंट्रेंस के कोर्सेज के लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। इसका नया बैच भी अवेलेबल है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। BCOM फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस चलता है। इसके साथ साथ अभी 11th एंड 12th कॉमर्स का हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिन बच्चों को न्यू बैच में एडमिशन लेना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। साथ ही अभी जस्ट ही CUET के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, CUET में BCOM कोर्सेस के लिए, जिन बच्चे को CUET में BCOM का एग्जाम देना है, आपका टारगेट है कि अगले साल हमें CUET में BCOM एंट्रेंस देना है, और जिसके थ्रू आपका एम है कि आपको BHU DU AU में एडमिशन हो जाए, और DU में जिन बच्चों का टारगेट है कि हम SRCC में एडमिशन ले, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि हमारे कोचिंग के कई सारे बच्चे BHU DU और DU के SRCC में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ने का सपना रखते हैं तो प्रिपरेशन करेंगे तभी पूरा होगा, है ना। खुद से पढ़ने से नहीं हो पाता है बच्चे, क्योंकि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज कोचिंग से ही पता चलता है। इसलिए जिन बच्चों को ज्वाइन करना है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर लीजिए। ऐसे कोई भी बच्चे जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक आज के लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि उन तक भी कॉमर्स में एक सिस्टमाइजेशन के साथ कंटेंट पहुंच सके, और बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन ना बने आपसे, समझ गए बात ना। तो आप सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और आप भी रेगुलरली पूरे लेक्चर्स को देखिए और क्वेश्चंस बनाएंगे, बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।